मुन्नार भाई फाइनली विनर तो बन ही गए और लोगों की खुशी दिल से हो रही, क्योंकि मुन्नार भाई ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं लोगों का दिल भी जीता है। और आप सब बता दूं उस वक्त की फीलिंग जब एक तरफ मुन्नार खड़े थे और एक तरफ पायल खड़ी थी और बीच में कंगना रनौत विनर का नाम घोषित करने वाली थी, तो उस वक्त जो फीलिंग थी लोगों की, जो दिल धक धक कर रहा था कि आखिर कौन जीतने वाला है, मतलब लोगों का दिल धक धक कर रहा था। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उस टाइम आपका दिल धड़का था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आपसे बता दूं बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मुन्नार फारूकी को कितना इनाम मिला, विनिंग प्राइस कितनी मिली और क्या क्या मिला। हालांकि बहुत सारों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ, मुन्नार फारूकी को 20 लाख का चेक मिला, जो कि आपने देख ही लिया होगा जब उन्होंने विनर घोषित कर उसके मतलब चेक वगैरह उनको 20 लाख का मिला। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप सभी मेरी पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि मुन्नार फारूकी को कार मिलने वाली है, क्योंकि भाई ने पहले बोल दिया था कार के पास आके कि मेरे पास कार नहीं थी, चलो अच्छा कार भी मुझे मिल जाएगी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस भाई ने पहले बता दिया था। तो क्या आपसे बता दूँ मुन्नार फारूकी की कार मिली जो कि लगभग 9 लाख के करीब करीब है। तो ऐसे में आप सभी सोच सकते हैं कि मुन्नार फारूकी को कितना प्राइस मिला, मतलब सारा अराउंड करेंगे तो अभी आप सब बता दूँ पूरे 30 लाख के करीब करीब हो रहा है। गाइस पैसों की बात तो एक तरफ है, मेन जीतना था जो कि मुन्नार फारूकी जीत चुके। अगर विनिंग नहीं भी मिलती है तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके फैन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से वो जीते हैं, जिस तरह से मतलब उन्होंने खेला है, वो एक लाजवाब खेला है। तो गाइस ये थी मेरी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।